पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी ने फिर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद वो अपने ही देश के लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल फवाद चौधरी ने कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर उन्हें फिर से आलोचना झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद हुसैन ने कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन भारत के जम्मू कश्मीर में देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी से बातचीत भी करेंगे। सुनिए क्या बोले फवाद चौधरी। आज मैंने स्पार्को को खत लिखा है, उसमें मैंने ये उनसे अर्ज किया है कि 100 दिन से ज़्यादा आज हो गए हैं और जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ के अवाम को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है, तो हमें इस बात का जायज़ा लेना है कि क्या पाकिस्तान में स्पार्को सैटेलाइट के ज़रिए या और किसी ज़रिए से हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को इंटरनेट तक रसाई दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसकी टेक्निकल पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे है। इंटरनेट जो है वो आजकल दुनिया उसको एक फंडामेंटल राइट मानती है, बुनियादी हक मानती है लोगों का, इंसानों का, और आज मकबूजा कश्मीर के लोग जहां पर बाकी अपनी बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम हैं वहीं पर इंटरनेट की सहूलत से महरूम है, और ये ज़रूरी है कि हम ऐसे इकदाम लें जिससे कि मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट जो है वो बहाल हो सके। उसके लिए जो भी हमें टेक्निकल तआवुन चाहिए होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो भी हम देंगे, और ज़रूरी है कि हम इसकी तरफ जो है वो इकदाम करें। तीसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज तकरीर की है, मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आप फोरम के ऊपर असम्बली जैसे फोरम में आके झूठ बोले। उन्होंने कहा कि उन्होंने लॉ ऑफिसर जो है उसने कहा कि नवाज शरीफ मरता है मर जाए। अगर आप प्रोसीडिंग्स उठा करके देखेंगे नवाज शरीफ साहब की जमानत की, तो उनको जमानत मिलने का एक वजह यह थी कि जो लॉ ऑफिसर्स हैं हकूमत के उन्होंने कंसीड किया है, उन्होंने उनकी जमानत के हक को तस्लीम किया और ये कहा कि जी अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उनकी सेहत जो है वो उसके लिए इलाज बाहर जरूरी है। यही नहीं, उन्होंने इसे लेकर जो ट्वीट किया उसमें पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम भी गलत लिखा। उसके बाद वहां की आवाम ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फवाद चौधरी आए दिन भारत को लेकर कोई ना कोई विवादास्पद बयान देते ही रहते हैं। अयोध्या पर आए फैसले को लेकर भी उन्होंने जहर उगला था। बॉलीवुड फिल्म पानीपत पर भी उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमान शासक को क्रूर दिखाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।